हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है टेक्नोलॉजी के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आप किसी और का फ़ोन यूज कर रहे हैं और उसके बिना परमिशन के उसके प्राइवेट फोटो एंड वीडियो एंड फाइल मैनेजर को कैसे आप देख सकते हैं। वीडियो क्लास तक बने रहिए, करते हैं हम स्टार्ट, लेट्स गो। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे वीडियो का अपडेट हमेशा आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप किसी और का फ़ोन यूज कर रहे हैं तो उस बंदे की फ़ोन उसके प्राइवेट फ़ोटो और ऑडियो या वीडियो उसके ऐप लॉक लगाने के बावजूद भी उस वीडियो को देख या सुन सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। हालांकि हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं कि जैसे आप उसका फ़ोन यूज कर रहे हैं तो उसमें ऐसा एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर फाइल मैनेजर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं इसे। टाइप करने के बाद यूज़ फिंगरप्रिंट टू ओपन फाइल मैनेजर। जब तक वह बंदा इसमें फिंगरप्रिंट या इसको वेरीफाई पासवर्ड नहीं करेगा तब तक किस फ़ोन की फाइल आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जब तक वो बंदा फिंगरप्रिंट एंड पासवर्ड से अनलॉक नहीं करेगा। अगर हम गैलरी ओपन करने की बात करें उस बंदे की फ़ोटोज़ देखने के लिए, तो हम जाएंगे सिंपल सा उसके गैलरी में, फ़ोटोज़ में जाएंगे। फ़ोटोज़ में जाने के बाद यहाँ पर फिर वही एनिमेशन देखने को मिलेगा, यूज़ फिंगरप्रिंट टू ओपन फ़ोटोज़ देखने को मिलेगा आपको। जब तक वो बंदा इसमें अनलॉक नहीं करेगा तब तक आप इसको देख नहीं सकते। बहुत ही सिंपल है, तो आपको सिंपल सा क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो आपको गूगल में सर्च कर लेना है, यहाँ से फाइल कॉलन ट्रिपल स्लैश एसडी कार्ड स्लेस, आपको एंटर दबा देना है। यहाँ से एंटर दबाने के बाद तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ़ोन की जितने भी फाइल मैनेजर की जितने भी सारी फाइलें हैं, यहाँ पर सभी फाइलें एक्सेस हो चुकी हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, किसी भी फोल्डर में जाकर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है। सिंपली डाउन साइड जाने के बाद एक फोल्डर आपको मिलेगा जो कि व्हाट्सअप का, व्हाट्सअप पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद एक मीडिया वाला फोल्डर दिखेगा आपको, यहाँ से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं जो व्हाट्सएप में सारे जो डिटेल हैं पूरा यहाँ पे शो हो रही हैं, सारे जो व्हाट्सएप में आपकी फाइलें हैं यहाँ पे शो हो रही हैं। तो सिंपली हम व्हाट्सएप इमेज पर यहाँ से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं जितनी भी सारी फ़ोटोज़ यहाँ पर शो कर रही हैं। अगर आप प्राइवेट फ़ोटो देखना चाहते हैं यहाँ से प्राइवेट फ़ोटो आप देख सकते हैं। इसे ये प्राइवेट फ़ोटो सिर्फ इसी फाइल में रहती हैं, ये जितनी भी सारी फ़ोटोज़ हैं आपके गैलरी में नहीं शो होती हैं, सिर्फ इस फाइल में आप इसे देख सकते हैं। तो सिंपली हम इसे बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद हम सिंपली व्हाट्सअप वीडियो पे जाएंगे। क्लिक करने के बाद दो फोल्डर दिखाई दे रही हैं, जो कि एक प्राइवेट का है एक सेंड का है, तो हम प्राइवेट वाले पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जितने भी सारी वीडियोज़ हैं ये सब प्राइवेट हैं, इसको आप देख सकते हैं। जैसे कि हम इसे ओपन कोई भी वीडियो कर लेते हैं यहाँ से, तो देख सकते हैं यहाँ से वीडियो आप ओपन कर सकते हैं इसे। हालांकि हम इसे बंद कर लेते हैं, सिंपली इसे बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद ऊपर साइड एक ऑप्शन मिलेगा जो कि कॉल रिकॉर्ड का, यहाँ से हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं तीन फाइलें दिखा रही हैं, कॉल रिकॉर्ड का और इंटरव्यू रिकॉर्ड का और स्टैंडर्ड रिकॉर्ड का। तो सिंपली हमें कॉल रिकॉर्ड सुनना है तो कॉल रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे, स्टैंडर्ड रिकॉर्ड पर जाना है तो जो मोबाइल से हुई रिकॉर्ड हुई होती हैं वो सारी ऑडियो होती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जाएंगे ब्लूटूथ में, ब्लूटूथ में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये सब सारी फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको ओपन हम कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पर हमारी मिलेंगी। यहाँ पर ओपन करने के बाद ये फ़ोटोज़ वगैरह हैं ये सब। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।